साल 2023 से 24 के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए का यूपी का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, महिलाओं, छात्रों और स्टार्टअप्स पर जोर। 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। आम आदमी पार्टी की शैली ओब्रॉय बनी दिल्ली की मेयर। एमसीडी मेयर चुनाव में मिले 150 वोट। बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट। शिवसेना के नाम और निशान पर दावे वाली उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विमोचन। कहा पीएम मोदी के फैसलों से भारत के बारे में बदला दुनिया का नजरिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हाउ टफ डिसीजंस ही टुक एज फार एज द पॉलिसी वाज कंसर्न एंड बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वी कुड सी इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। भिवानी कांड पर और तेज हुई सियासत। हरियाणा के मेवात में आरोपी मोनू के समर्थन में महापंचायत। मामले में सीबीआई जांच की मांग। लोक गायिका नेहा राठौड़ को यूपी के कानपुर देहात पुलिस का नोटिस। समाज में माहौल बिगाड़ने का है आरोप। जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त। सुनिए उस गीत को और फिर बताइए कि उस गीत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये नोटिस मिला। यूक्रेन में राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर की बात। जेलेंस्की के ऑफिस ने दी बात करने की जानकारी। आतंकियों को पनाह देने के मामले में फिर गिरा पाकिस्तान। रावलपिंडी में दिखा भारत का मोस्ट वांटेड और ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन। लश्कर आतंकी के जनाजे में हुआ शामिल। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।